Hello friends, myself Jaimin Patel. Welcome to all. Today we are going to start a new chapter, chapter number 2, inverse trigonometric functions. Okay, we are going to start a new chapter, inverse trigonometry. तो सबसे पहले हमें वर्ड पता होना चाहिए इनवर्स फंक्शन. इनवर्स फंक्शन किसे बोला जाएगा? ओके, तो इनवर्स फंक्शन ये हमारे चैप्टर 1 में आने वाला है आगे. तो चैप्टर 1 में हम उसमें पढ़ेंगे. कोई अगर फंक्शन 1 1 और 1 2 बोथ होता है तभी वो फंक्शन जाके इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट हो पाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम इनवर्स फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं. सपोज f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b है, राइट? तो इसके हिसाब से f इनवर्स ये फंक्शन आएगा b टू a का आएगा. ओके, यहां पे फंक्शन a से b का है, यानी यहां पे उसका डोमेन a है और कोडोमेन b है. तो f इनवर्स की बात करें तो ये रिवर्स हो जाएगा. डोमेन यहां पे आ जाएगा b और कोडोमेन हो जाएगा a. अगर मैं यहां पे बोलूं सपोज आई हैव अ फंक्शन f ऑफ x दैट इक्वल्स टू y, तो दैट इंप्लाइज यहां पे बनेगा y इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x. ओके, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. सपोज मेरे पास यहां पे f ऑफ x, ये हमारा x स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि f इनवर्स x ये 1 ओवर x स्क्वायर आएगा, ये नहीं होता है, राइट? ओके, हम सबसे अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक. सबसे पहले इसको रिकॉल करते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके पहले यहाँ पे डोमेन ले देंगे, बाद में यहाँ पे उसकी रेंज ले देंगे. डोमेन, साइन का डोमेन क्या होगा? तो डोमेन ऑफ साइन दैट इज आर, कॉस का डोमेन ये भी रहेगा आर, साइन की रेंज ये थी माइनस वन टू प्लस वन, कॉस की भी रेंज माइनस वन टू प्लस वन. अगर मैं टेन के डोमेन की बात करूं तो टेन, टेन क्या होता है? एक्चुअली टेन थीटा ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. मैं टेन का डोमेन है, यानी ये थीटा की वैल्यू मैं आर में से यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मैंने आर में तो सारी वैल्यूज भी आ जाती है. कॉस जीरो होगा वो वैल्यूज भी आर में आएगी. तो समझ लो कि अगर हम आर में से कोई एक वैल्यू ऐसे सिलेक्ट कर ले जिसके लिए कॉस जीरो हो जाएगा, तो वो वैल्यू के लिए टेन वाला फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू नेग्लेक्ट दैट वैल्यूज फॉर व्हिच कॉस दैट विल बी जीरो. तो cos का सेट ऑफ जीरो से हमें पता है ये होता है 2k - 1 पाई बाय 2, और एक्चुअली tan का डोमेन ही है r - 2k plus 1 पाई बाय 2 व्हेनेवर k इज बिलोंग्स टू z, दैट इज द डोमेन फॉर tan. ओके, वैसे cot का डोमेन क्या आएगा? cot एक्चुअली होता है cos upon sin, तो वी हैव टू रिमूव दैट वैल्यू फॉर व्हिच sin इज जीरो. सो cot का ये आएगा r माइनस k pi where k is belongs to z, और tan और cot उसकी रेंज के बारे में बात करें तो ये दोनों हैं r r. now sec क्या होता है? 1 upon cos, sec होता है 1 upon cos, तो उसका भी डोमेन क्या आएगा? once again r minus 2k plus 1 pi by 2 whenever k is belongs to z. और cosec के बारे में बात करें तो उसका भी डोमेन आएगा cosec यानी 1 upon sin, तो उसका भी आएगा r minus k pi whenever k is belongs to z. और ये दोनों की रेंज हम पढ़ चुके हैं r minus minus 1 to plus 1, r minus minus 1 to plus 1. ओके, ये यहाँ पे लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने पता है, अभी मैंने बताया अगर f of x equals to y तो y क्या होता है? f inverse x होता है. तो अभी हम पढ़ रहे हैं inverse trigonometric function. तो inverse trigonometric function कौन कौन से होंगे? तो ये आएगा सबसे पहला sin inverse आएगा, फिर cos inverse आएगा, tan inverse आएगा, cot inverse आएगा,
sec इनवर्स आएगा एंड cosec इनवर्स आएगा। ना सबसे पहले हमने क्या बताया यहाँ पे साइन, उसका डोमेन मैंने यहाँ पे आर लिया था और रेंज आई थी -1 to +1, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है वाई इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स का जो डोमेन आएगा उसको मैं क्या सिलेक्ट कर सकता हूँ, साइन की जो रेंज थी वो हमारा बन जाएगा यहाँ पे इसका डोमेन। तो इसका डोमेन आएगा -1 to +1, ये भी -1 से +1, ठीक है, ये आर, ये भी आर, ये आएगा आर -1 to +1 और ये आर -1 to +1। अब इसकी रेंज के बारे में बात करते हैं, ओके, साइन की रेंज सबको याद रखना है, ये आएगा -π/2 से +π/2, यहां पे आएगा ये 0 से π क्लोजिंग लवर्स पे। टेन इनवर्स के लिए आएगा इंटरवल्स चेंज हो जाएगा -π/2 to +π/2, और इनवर्स के लिए आएगा 0 से π। तो sec इनवर्स की बात करें तो sec इनवर्स के लिए आएगा 0 से π -π/2, और 0 से π में सिर्फ π/2 नहीं ले सकते क्योंकि π/2 के लिए उसकी वैल्यू 0 होती है और उसको sec इनवर्स नहीं ले तो इनफाइनाइट चला जाता है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू नेगलेक्ट। और दूसरा यहाँ पे आएगा -π/2 से +π/2, माइनस यहाँ पे पाई, सॉरी यहाँ पे जीरो आएगा -π/2 से +, क्योंकि साइन जीरो, ये जीरो होता है और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक जीरो, दैट विल बी इनफाइनाइट, सो दैट्स व्हाई हमें वो उसको निकलते हैं। ओके, -1 इज लेस देन इक्वल एक्स, लेस देन इक्वल 1, इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि ये इनइक्वालिटी पूरे चैप्टर में बहुत बार यूज होने वाली है, तो इसको समझ लीजिए। इसका मीनिंग होता है एक्स इज बिलोंग्स टू -1 to +1, एक्स इज बिलोंग्स टू -1 to +1, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -1 इज लेस देन इक्वल एक्स, लेस देन इक्वल 1, आइदर इसको मैं ऐसे भी लिखेंगे मॉड ऑफ एक्स लेस और इक्वल 1, ओके, तो याद रखना इसे। सेकेंडली अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल्स टू 1 होता है, यहां तक मैंने बताया कि मॉड एक्स लेस और इक्वल 1 है, इसका मीनिंग ऐसा होता है कि माइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में है और -1 एंड +1 दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड। Now, mod of x is greater than 1, तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग होगा x is belongs to r -1 से +1, यानी ये x is belongs to r -1 से +1 है, इसका मीनिंग होगा mod x is greater or equals to 1, तो ये हमें इसको बहुत याद रखना है। Second, ओके, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और दूसरा है साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, राइट, ये दोनों का मीनिंग ही यहां पे भी इसका आंसर एक्स होगा और यहां पे भी इसका आंसर एक्स ही होगा, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दिस टू टर्म्स, देखिए यहाँ पे ये x, तो ये x की जो वैल्यू है, तो x is belongs to ये किसकी रेंज में आएगा, ये आएगा sin inverse की रेंज में। What is the range for sin inverse? Sin inverse की रेंज मैंने यहाँ पे बताई हुई है, ये है -π/2 से +π/2, तो यहाँ पे x is belongs to -π/2 से +π/2। Now, but ये टर्म की बात करो साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो इसका भी आंसर x ही आएगा, बट यहाँ पे ये x इज बिलोंग्स टू, ये आएगा साइन की रेंज
थीटा थी माइनस वन से प्लस वन, तो ये आएगा माइनस वन से प्लस वन के बीच, तो इसको हमेशा याद रखना है। अब दूसरी एक बात करते हैं, सपोज मेरे पास है साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय टू, तो क्या इसको मैं पाई बाय टू लिख सकता हूं? यस, ये पाई बाय टू आएगा। क्यों? क्योंकि पाई बाय टू ये कहां पे होना चाहिए? साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए, जो है यस। देखिए पाई बाय टू यहां पे आ जाता है, यस ये इंक्लूडेड है, तो पाई बाय टू इज बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, ये इंटरवल में है, सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाय टू दैट इक्वल्स टू पाई बाय टू। बट अगर मैं यहां पे बात करूं tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाय टू, इट्स नॉट इक्वल्स टू 3 पाई बाय टू, मैं इसको 3 पाई बाय टू यहां पे नहीं लिख पाऊंगा, बिकॉज़ 3 पाई बाय 4 दैट डज नॉट लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। चेक कीजिए, माइनस पाई बाय 2 यानी क्या होता है? माइनस 90 से प्लस 90, और 3 पाई बाय 2 यानी 45 इनटू 3, सो इट विल बी नॉट इन इन दिस इंटरवल माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहां से इसको इसके अंदर लाना पड़ेगा, तो कैसे आएगा? तो tan इनवर्स ऑफ ये tan 3 पाई बाय 2 है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाय 4 ये होता है पाई प्लस सॉरी पाई माइनस पाई बाय 2, सॉरी यहां पे काम करते हैं 5 पाई बाय 2 लिखते हो अभी, तो पाई प्लस पाई बाय 2 क्या होता है? तो ये 5 पाई बाय 4 होता है, ठीक है, तो पाई कहां पे है? यहां पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ऑलएसटीसी के हिसाब से ये क्वाड्रेंट में एन के साइन पॉजिटिव, ठीक है, तो ये पाई प्लस पाई बाय 4 और कुछ नहीं होगा, ये होगा tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4, और ये tan पाई बाय 4 है tan इनवर्स की रेंज में है, तो इसको मैं पाई बाय 4 लिख पाऊंगा, तो ये पाई बाय 4 बिकॉज़ दिस इज बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। नाउ नेक्स्ट हमें फॉर्मूले से यहां पे लर्न कर रहे हैं, ये यार बहुत ये आएंगे फॉर्मूले से, यहां पे ध्यान देना, sin इनवर्स ऑफ माइनस x, sin इनवर्स ऑफ माइनस x क्या होगा? ये होगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जहां पे होगा मॉड एक्स इज लेस और इक्वल वन, यानी जो यहां पे साइन इनवर्स एक्स में हम यहां पे एक्स की जो वैल्यू सेलेक्ट करेंगे वो कहां से करेंगे? मॉड एक्स इज लेस और इक्वल माइनस वन, और मैंने अभी बताया था आगे कि मॉड ऑफ एक्स लेस और इक्वल वन, इसका मीनिंग क्या होता है? ये होगा माइनस वन लेस और इक्वल एक्स लेस और इक्वल वन, ओके, ये एक्चुअली क्या है साइन का, ओके। नाउ नेक्स्ट है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, उस इसके लिए भी हमें ये जो फॉर्मूला है ये आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे भी एक्स की जो वैल्यू सिलेक्ट होगी वो कहाँ से होगी? मॉड ऑफ एक्स लेस और इक्वल वन, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये आएगा माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, जहाँ पे एक्स इज बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे जो x की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे वो करेंगे r में। नाउ cot इनवर्स ऑफ माइनस x, तो cot इनवर्स ऑफ माइनस x ये आएगा पाई माइनस ऑफ cot इनवर्स x, जहाँ पे x आएगा बिलोंग्स टू r में। नाउ cosec इनवर्स माइनस x ये क्या आएगा? माइनस ऑफ cosec इनवर्स x, mod x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। उसके बाद अगर मैं बात करूं sec इनवर्स ऑफ माइनस x ये आएगा पाई माइनस ऑफ sec इनवर्स x, ये आएगा mod x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है और कुछ नहीं है, ये sin इनवर्स का डोमेन है, sin इनवर्स का डोमेन हमने क्या बताया था? माइनस 1 से प्लस 1, ये वही हुआ, x इज बिलोंग्स टू ये क्या होगा? माइनस 1, माइनस 1 इज लेस और इक्वल x, लेस और इक्वल 1, इसका मीनिंग यही होता है x इज बिलोंग्स टू माइनस 1 टू प्लस 1। और अगर मैं यहाँ पे बताऊँ mod x is greater or equals to 1, इसका मीनिंग क्या होगा? x is belongs to r minus minus 1 to plus 1, ये एक्चुअली cosec inverse x का डोमेन है।
ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। उसके बाद रेसिप्रोकल, जैसे cosec x equals to sin 1 upon x होता है, वैसे ही अगर मैं बताऊं cosec inverse x, ये होगा sin inverse of 1 upon x, जहां पे जो mod x क्या आएगा greater or equals to 1, क्यों यहां पे x cosec inverse x में यहां पे x का जो वैल्यू सिलेक्ट करेंगे वो कहां से करेंगे, cosec inverse का डोमेन था वो वहां से, और वो क्या था mod x is greater or equals to 1। सेम थिंग अगर मैं sec inverse x के लिए बोलूं, sec inverse x क्या आएगा, ये आएगा cos inverse of 1 upon x और mod x is greater or equals to 1, ये sec x की वैल्यू यहां से चूज करेंगे, ठीक है। cot inverse x, यहां पे हमें दो फॉर्मूलास कर करते हैं, एक तो cot inverse x equals to tan inverse 1 upon x होएगा whenever x is greater than 0, but whenever x is less than 0 तो ये आएगा tan inverse of 1 upon x plus pi, ये याद रखना है। अब इससे उल्टा हो, जैसे कि यहां पे sin inverse x given और हम उसको cosec inverse x में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये आएगा sin inverse x that equal to cosec inverse of 1 upon x, और यहां पे x कहां से चूज करेंगे, obviously sin के डोमेन, sin inverse के डोमेन में से, sin inverse का डोमेन क्या है -1 से +1, राइट, -1 से +1 यानी यही x is less or equal mod x is less or equal 1, बट मैंने यहां पे क्या लिखा है -1 से +1 minus of 0, 0 को भी माइनस करना पड़ा यहां पे, देखिए इसके डोमेन में से sin inverse के, because cosec क्या होता है sin inverse का रेसिप्रोकल होता है, अगर मैंने यहां पे -1 से +1 में 0 भी आ जाता है, अगर मैंने यहां पे 0 ले लिया बीच में, तो अगर मैंने चलो सोच भी नहीं कि sin inverse of 0, sin inverse of 0 क्या होगा cosec inverse of 1 upon 0, और cosec inverse 1 upon 0 क्या होता है infinite, तो ये तो infinite चला जाएगा, इसीलिए हमें यहां पे 0 को करना पड़ेगा negative। सेम थिंग होगा cosec cos inverse x, cos inverse x क्या आता है, ये आता है sec inverse of 1 upon x, ठीक है, उसका भी जो हम x यहां पे सिलेक्ट करेंगे cos inverse के डोमेन में से ही करेंगे, बट यहां पे हमें माइनस करना पड़ेगा 0, ओके। उसके बाद जैसे यहां पे cot inverse को हमने कन्वर्ट किया था tan, वैसे ही tan inverse को कन्वर्ट करना है cot में, तो tan inverse x दैट इक्वल्स टू आएगा cot inverse x 1 cot inverse of 1 upon x whenever x is greater than 0, बट अगर वो x is less than 0 होगा ना, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा cot inverse 1 upon x minus pi, तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, cot inverse को tan में कन्वर्ट करना है तो यहां पे प्लस पाई आएगा whenever x is less than 0, बट अगर tan को cot में कन्वर्ट करना है तो cot inverse 1 upon x minus pi whenever x is less than 0, greater than 0 के लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। नाउ आगे चलते हैं, देखें यहां पे ये कुछ और न्यू फॉर्मूले हैं, sin inverse x plus cos inverse x, इसका आंसर आएगा pi by 2, ये हमें याद रखना है हमेशा, sin inverse x plus cos inverse x ऑलवेज आता है pi by 2, और यहां पे जो x सिलेक्ट कहां से होगा, sin inverse और cos inverse का अगर आप डोमेन देखोगे तो वो है -1 से, x is belongs to -1 से +1, और x is belongs to -1 से +1 है, तो मैं इसको कैसे लिखता हूं, mod x is less or equal 1। उसके बाद cosec inverse x plus sec inverse x, तो cosec inverse x plus sec inverse x ये भी होता है pi by 2, राइट, और यहां पे जो x की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे कहां से करेंगे, ये आएगा cosec और sec का डोमेन क्या होता है mod x is greater than equals to 1, यानी x is belongs to, हम लिखते थे ना x is belongs to r minus minus 1 से plus 1, आगे मैंने बताया हुआ है कि ये ही होता है mod x is greater equals to 1। now tan inverse x plus cot inverse x ये भी होता है pi by 2, और इसका डोमेन भी क्या है हमारा r भी है, ओके। तो ये 3 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं tan inverse x plus tan inverse y, इसका फॉर्मूला है tan inverse of x plus y
upon 1 minus of xy whenever xy is less than 1. यहाँ पे मेरे पास x और y के लिए 3 different conditions हैं. अगर मैं बात करूँ x into y ये less than 1 भी हो सकता है, x into y greater than 1 भी हो सकता है, और xy ये equal to 1 भी हो सकता है. So हमें यहाँ पे तीनों conditions में check करना है. अगर कोई क्वेश्चन है 10 inverse x plus 10 inverse y, उसमें x y less than 1 होता है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 10 inverse of x plus y upon 1 minus x y. But whenever x y that will be greater than 1, तो ये आएगा pi plus 10 inverse of x plus y upon 1 minus x y. But अगर x y equal to 1 हो जाएगा ना, तो x y equals to 1 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाएगा pi by 2, 10 inverse x plus 10 inverse y. तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि कंडीशन x y less than 1 है, x y greater than 1 है, either x y equals to 1 है. There are so many questions depend on that. उसको हम चेक करेंगे, आपको पता चलेगा उसके बारे में. Now conversions. ये conversions देखो, मैंने यहाँ पे conversion लिखा हुआ है. Sin inverse x equal to cos inverse of 1 minus x square under root में, और equal to tan inverse of x upon under root of 1 minus x square. ये actually as a formula आपके textbook में दिया गया है, but अगर आप इसको याद नहीं भी रखोगे तभी भी चलेगा. इसको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? देखो sin inverse x मैंने यहाँ पे थीटा लिया हुआ है, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x equals to sin theta. अगर sin inverse x equals to theta होता है, तो that means x equal to sin theta. Now देखिए, अगर मैंने यहाँ पे sin theta ले लिया, sin theta यानी ये x upon 1, तो by using Pythagoras ये हमें क्या मिलेगा, ये 1 minus of x square मिलेगा. ठीक है, sin क्या होता है, opposite upon hypotenuse, तो यहाँ पे मतलब कुछ denominator में कुछ नहीं है, तो उसको 1 समझ लो, तो x upon 1 आ गया. और अगर उसकी theta की adjacent side में हम यहाँ पे देखें, तो by Pythagoras use करेंगे, तो वहाँ पे मिलेगा हमें under root of 1 minus x square. Now sin theta मेरे को यहाँ पे x मिला, तो according to that triangle हमें यहाँ पे cos theta क्या मिलेगा, यहाँ पे cos theta क्या मिलेगा, तो cos theta आएगा under root में 1 minus of x square upon 1, और 1 denominator में 1 ही लगेगा तो चलेगा. ठीक है, denominator में 1 है क्योंकि adjacent upon hypotenuse, hypotenuse तो 1 ही है यहाँ पे. उस और tan के लिए बात करते हैं, तो tan theta क्या आएगा, tan theta आएगा, ये theta है, opposite upon adjacent, यानी आएगा x upon under root में 1 minus of x square. जैसे sin inverse x equals to theta, तो उसके लिए हमको क्या मिला, x equals to क्या मिला, sin theta मिला. same thing cos theta equals to under root of 1 minus x square, तो theta क्या मिलेगा, यहाँ से theta आएगा cos inverse of under root में 1 minus x square. वैसे अगर tan theta हमारे पास क्या है, x upon under root में 1 minus of x square है, तो यहाँ से थीटा क्या आएगा, थीटा यहाँ से आएगा थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देखिए ये भी थीटा और यहाँ पे भी थीटा, थीटा थीटा अगर हम इक्वल करेंगे, तो दैट मींस दैट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x upon under root 1 minus x square. इसी तरह से अगर मैं cos के लिए भी प्रूव करना चाहूँ, अगर tan के लिए भी प्रूव करना चाहूँ तो कर सकता हूँ. चलो tan tan के लिए करते हैं. tan inverse x के लिए क्या है, ये हमें निकालना है. ठीक है, ये एक्चुअली फॉर्मूला ही है, बट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हम उसको डिराइव करते हैं. let tan inverse x
that equals to theta, इसको theta ले लेते हैं, that means that यहाँ पे x पे आएगा, ये आएगा tan theta, तो अगर मैंने इसको यहाँ पे theta ले लिया, tan क्या होता है, opposite upon adjacent, right, x upon 1, तो ये under root में क्या आएगा, ये आएगा under root में 1 plus x square by using Pythagoras. तो अगर मैं यहां से sin theta निकालना चाहूं तो sin theta क्या आएगा और यहां से cos theta क्या आएगा, sin theta यानी opposite upon hypotenuse, तो x upon under root of 1 plus x square, और जो cos theta आएगा adjacent upon hypotenuse, यहां से मेरे को theta क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा मेरे को साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, और यहां से मेरे को थीटा क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट में 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, ये भी थीटा, यहां पे भी थीटा और यहां पे भी थीटा, तो tan इनवर्स x इक्वल टू ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, और यहां पे आएगा ये थीटा ये भी थीटा, ये तो इक्वेट करेंगे तो आएगा cos इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, सेम थिंग कैन बी रिटन आल्सो cos इनवर्स x, cos इनवर्स के लिए भी आप फार्मूला वैसे बना सकते हैं.